We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. फ्रेगमेंट मैनेजर, अब देखो अब प्रैक्टिकली जब फ्रेगमेंट का यूज़ करते हो तो एक्टिविटी के ऊपर आपको फ्रेगमेंट का ट्रांजेक्शन करना है, मतलब कि फ्रेगमेंट को आपको रिप्लेस करना है किसी और फ्रेगमेंट से, नया फ्रेगमेंट ऐड करना है, रिमूव करना है, तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी फ्रेगमेंट मैनेजर की। फ्रेगमेंट मैनेजर के द्वारा आप सभी फ्रेगमेंट्स को जितने भी है उसको मैनेज कर सकते हो। Time at which a fragment is attached to the time it is detached, it goes through, ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है। फ्रेगमेंट मैनेजर, फ्रेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी विच वर्क्स इंडिपेंडेंटली एज अ पार्ट ऑफ मैनेजिंग इट सेल्फ एंड इट्स कंपोनेंट्स। इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एक्टिविटी टू मैनेज अ फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट एक्टिविटी का हिस्सा है, तो फ्रेगमेंट एक ऐसा हिस्सा है कि जो इंडिपेंडेंटली रन होता है दूसरे फ्रेगमेंट से, बट है तो ये एक्टिविटी के अंदर, तो ये एक्टिविटी की एक अहम जिम्मेदारी बन जाती है कि उसके अंदर आए फ्रेगमेंट्स को उसे मैनेज करना है। एन एक्टिविटी कैन मैनेज अ फ्रेगमेंट यूजिंग अ फ्रेगमेंट मैनेजर। व्हाट वी नीड इज एन इंस्टेंस ऑफ फ्रेगमेंट मैनेजर। तो फ्रेगमेंट को मैनेज करने के लिए एक्टिविटी के पास होना चाहिए फ्रेगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट। तो ये फ्रेगमेंट मैनेजर को आप रिट्रीव कर सकते हो गेट फ्रेगमेंट मैनेजर मेथड के द्वारा। कौन सी मेथड? गेट फ्रेगमेंट मैनेजर। एडिंग फ्रेगमेंट्स टू द एक्टिविटी। अब फ्रेगमेंट्स को आप एक्टिविटी में ऐड कैसे करोगे? तो देर इज अ वेरी सिंपल वे टू ऐड और पुट अ फ्रेगमेंट इन योर लेआउट ऑफ द एक्टिविटी। इट कैन बी डन एज सी, इट इज योर लेआउट। लेआउट है आपकी एक्टिविटी का, उसमें आपको फ्रेगमेंट नोड आपको डिफाइन करना है और उसमें आप अपने फ्रेगमेंट को एंड्रॉयड नेम एट्रीब्यूट में आपको जो आपने फ्रेगमेंट डिफाइन किया है, बनाया है, क्रिएट किया है, उसका रेफरेंस यहाँ पे देना है। या नहीं दोगे तो ये जगह बनेगी फ्रेगमेंट के लिए, लेकिन वो फिलहाल एम्प्टी होगी। उसका आईडी, विड्थ, हाइट एट्सेट्रा, मतलब ये आपकी एक्टिविटी की का लेआउट है, उसमें आपने ये फ्रेगमेंट को यहाँ पे डिफाइन किया कि यहाँ पे एक फ्रेगमेंट आएगा। स्टैटिकली वहाँ पे फ्रेगमेंट रख भी सकते हो या फिर रन टाइम कोई फ्रेगमेंट वहाँ पे लोड भी कर सकते हो। फ्रेगमेंट डिफाइन ऑन प्रीवियस पेज, डिफाइन अ सेट ऑफ स्टैटिक लेआउट्स बेस्ड ऑन वेरियस स्क्रीन साइज। दिस फ्रेगमेंट व्हेन इन्फ्लेटेड बिकम्स अ व्यू ग्रुप विच मैनेजेस इट्स यूआई विद इन एक्टिविटी। इस तरह से जो फ्रेगमेंट हमने यहाँ पे डिफाइन किया है
वो एक फ्रेगमेंट माई लिस्ट फ्रेगमेंट सपोज, वो अपने लेआउट को व्यू करेगा, इन्फ्लेट करेगा जब ये एक्टिविटी रन होगी और एक्टिविटी का लेआउट व्यू होगा तब. वी कैन ऑल्सो डिजाइन फ्रेगमेंट्स विच डायनेमिकली मॉडिफाई आवर लेआउट्स बाई एडिंग, रिमूविंग एंड रिप्लेसिंग दैम एट रन टाइम. हम फ्रेगमेंट्स को रन टाइम भी मैनेज कर सकते हैं, एड, रिमूव, रिप्लेस कर सकते हैं. लेकिन ये सब कुछ करने के लिए पहले आपके पास ये जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप फ्रेगमेंट को ऐड करोगे, रिप्लेस करोगे, रिमूव करोगे, वॉट एवर. तो आपको लेआउट में एक फ्रेगमेंट नोड, फ्रेगमेंट व्यू डिफाइन करना रहेगा. फिर स्टैटिकली आप वहाँ पे पहले से कोई फ्रेगमेंट को प्लेस कर दो, रन टाइम करो, डिपेंड्स ऑन यू एंड द नीड ऑफ योर एप्लीकेशन. बेटर अप्रोच इज टू क्रिएट लेआउट्स दैट यूज कंटेनर व्यू into which fragments can be placed at runtime. एक अच्छा विकल्प ये रहता है कि आप लेआउट को डिज़ाइन करो, डिफाइन करो, उसमें फ्रेगमेंट के लिए जगह रखो और उस जगह पे रन टाइम फ्रेगमेंट्स लोड होंगे, एड, रिप्लेस, रिमूव वगैरह. डायनेमिकली फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शंस, फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शंस आर यूज टू एड, रिमूव, रिप्लेस फ्रेगमेंट्स विद इन एन एक्टिविटी एट रन टाइम. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रन टाइम करना ज़्यादा बेहतर है और एक्टिविटी में आप रन टाइम फ्रेगमेंट को एड, रिमूव, रिप्लेस करना चाहते हो तो उसे कहते हैं फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन. यूजिंग फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शंस वी कैन मेक अवर लेआउट्स डायनेमिक. तो देखो, इस फ्रेगमेंट्स के मैकेनिज्म के जरिए आप अपने लेआउट्स को डायनेमिक बना सकते हो. मतलब कि स्क्रीन का कोई पोर्शन रन टाइम चेंज हो जाए, इट इज़ पॉसिबल थ्रू फ्रेगमेंट्स. सी द फॉलोइंग कोड स्निपेट इज ए सैम्पल कोड फॉर फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन. देखो यहाँ पे क्या किया है, फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन करने के लिए पहले तो आपको ट्रांजेक्शन बिगिन करना पड़ेगा, बिगिन ट्रांजेक्शन. ओके, बिगिन ट्रांजेक्शन कॉल करोगे आप फ्रेगमेंट मैनेजर के ऑब्जेक्ट के द्वारा और ये बिगिन ट्रांजेक्शन रिटर्न करेगा आपको फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट. इस फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन के ऑब्जेक्ट के द्वारा आप फ्रेगमेंट को एड, रिप्लेस, रिमूव कुछ भी कर सकते हो और जो भी करना है वो करने के बाद अंत में क्या करना है आपको, कमिट, फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन डॉट कमिट, तब उसकी असर होगी. एडिंग, रिमूविंग एंड रिप्लेसिंग फ्रेगमेंट्स. टू एड अ फ्रेगमेंट वी नीड एन इंस्टेंस ऑफ द फ्रेगमेंट टू एड द कंटेनर व्यू. ऑप्शनल टैग विच कैन बी लेटर यूज टू फाइंड द फ्रेगमेंट. एड करना मतलब कि डायनेमिकली रन टाइम फ्रेगमेंट को प्लेस पे, जो नोड आपने डिफाइन किया है फ्रेगमेंट के लिए, उस जगह में फ्रेगमेंट को एड करना. और एड करना मतलब कि ट्रांजेक्शन करना. तो वो फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन के ऑब्जेक्ट के द्वारा, देखिए यहाँ पे फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन डॉट एड मेथड है उसकी, जिसमें आपको पहली आर्ग्यूमेंट पास करनी है वो लेआउट, सॉरी वो व्यू जहाँ पे आपको फ्रेगमेंट को एड करना है. दूसरी आर्ग्यूमेंट फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट, जिस फ्रेगमेंट को आपको इस व्यू पे, इस लेआउट पे एड करना है. पहली आर्ग्यूमेंट उसका आईडी जहाँ पे रखना है, दूसरी आर्ग्यूमेंट वो फ्रेगमेंट जिसे रखना है. ऑप्शनली तीसरी आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हो एक स्ट्रिंग टैग, मतलब कि एक आइडेंटिफिकेशन इस फ्रेगमेंट का, जिसके द्वारा भविष्य में आप उसको सर्च कर सकते हो. लास्ट में कमिट करना है तो ही ये फ्रेगमेंट ऐड होगा. तो ये था ऐड करना. रिमूव करना, तो रिमूव अ फ्रेगमेंट वी नीड अ रेफरेंस टू इट. आपके पास उस फ्रेगमेंट का एक रेफरेंस होना चाहिए और फिर आपको ये रेफरेंस पास करना है रिमूव मेथड में. वी कैन ऑब्टेन अ रेफरेंस टू फ्रेगमेंट यूजिंग फाइंड फ्रेगमेंट बाई आई डी और फाइंड फ्रेगमेंट बाई टैग. तो आपके पास अगर उस फ्रेगमेंट का रेफरेंस नहीं है तो उस फ्रेगमेंट को आप सर्च कर सकते हो और सर्च करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, फाइंड फ्रेगमेंट बाई आई डी एंड फाइंड फ्रेगमेंट बाई टैग. फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शंस सी इस तरह से, बिगिन ट्रांजेक्शन, फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट फाइंड फ्रेगमेंट बाई आई डी, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या पास कर दी, वो फ्रेगमेंट नोड जो हमने डिफाइन किया है एक्सएमएल में लेआउट, उसका आई डी. फिर रिमूव फ्रेगमेंट,
ये फाइंड फ्रेगमेंट बाय आईडी आपको रिटर्न करेगा फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट, ये फ्रेगमेंट आपको फिर उसको रिमूव करना है, और रिमूव करने के लिए उस फ्रेगमेंट का रेफरेंस आपको फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन की रिमूव मेथड में पास करना है, फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन डॉट रिमूव। यूजिंग द रिप्लेस मेथड वी कैन रिप्लेस वन फ्रेगमेंट विद द अनदर फ्रेगमेंट। तो रिप्लेस करने के लिए भी एक फ्रेगमेंट जो अभी रन हो रहा है उसकी जगह पे दूसरा फ्रेगमेंट रन करवाना है, शो करवाना है, तो फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन की मेथड है रिप्लेस। यहाँ पे पहली आर्ग्यूमेंट आपको पास करना है आईडी, जहाँ पे आपको उस व्यू का आईडी, फ्रेगमेंट व्यू जो आपने फ्रेगमेंट नोड रखा है ना लेआउट में उसका आईडी, और सेकंड आर्ग्यूमेंट वो फ्रेगमेंट जो आप वहाँ पे अभी सेट करना चाहते हो। ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो पुराना फ्रेगमेंट अभी शो हो रहा है उसकी जगह पे ये फ्रेगमेंट आ जाएगा। लास्ट में कमिट, तो कमिट तो आपको हर बार करना है। तो ये तीन मेथड हमारे पास है फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन के लिए, एड, रिमूव और रिप्लेस। फाइंडिंग फ्रेगमेंट्स, तो अभी हमने देखा कि फ्रेगमेंट को हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक तो उसके आईडी के द्वारा या फिर उसके टैग के द्वारा। अब टैग के द्वारा फाइंड करना है आपको, तो जब फ्रेगमेंट को आपने ऐड करवाया तब उसको आपको ये टैग देना है, तो ही आप आगे जाके टैग के द्वारा उसको सर्च कर सकते हो। वी कैन यूज द फ्रेगमेंट मैनेजर्स मेथड टू फाइंड द फ्रेगमेंट्स बाय आईडी और इट्स टैग। सिंपल कोड शोन बिलो सो यूसेज ऑफ बोथ दिस मेथड्स। देखिए आपके पास कोई फ्रेगमेंट है जिसका क्लास है माई फ्रेगमेंट, उसको आप सर्च करना चाहते हो तो फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट फाइंड फ्रेगमेंट बाई आई डी, आर्ग्यूमेंट पास कर दी उस फ्रेगमेंट का आईडी, आईडी जो हमने XML में डिफाइन किया है वो, या फिर फाइंड फ्रेगमेंट बाई टैग, फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट फाइंड फ्रेगमेंट बाई टैग, और आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो टैग जो हमने फ्रेगमेंट को ऐड करते वक्त दिया था। तो इस तरह से हम दो तरह से फ्रेगमेंट को फाइंड कर सकते हैं। इंटरफेसिंग बिटवीन फ्रेगमेंट्स एंड एक्टिविटी। अब कई बार आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि फ्रेगमेंट में से सपोज कि आपको एक टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करना है तो वो नहीं कर पाओगे, डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, या फ्रेगमेंट में से पेरेंट एक्टिविटी का कोई व्यू है उसको आपको मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, एक्सेस करना है, तो पहले तो आपके पास वो एक्टिविटी होनी चाहिए, तब ही आप फ्रेगमेंट में से कोई भी इंटरेक्शन कर पाओगे। तो अगर आपको फ्रेगमेंट में से पेरेंट एक्टिविटी का रेफरेंस चाहिए तो उसके लिए हमारे पास मेथड है गेट एक्टिविटी। वी कैन ऑब्टेन द एक्टिविटी इन विच द फ्रेगमेंट इज इम्बेडेड, फॉर दिस वी कैन यूज गेट एक्टिविटी मेथड ऑफ द फ्रेगमेंट। गेट एक्टिविटी को कॉल कराओगे तो करंट फ्रेगमेंट जिस एक्टिविटी के अंदर है करंटली उस एक्टिविटी का रेफरेंस मिलेगा। एंड्रॉयड फ्रेगमेंट क्लास, एंड्रॉयड में ऐसे प्रीडिफाइंड फ्रेगमेंट क्लास अवेलेबल है जिसके द्वारा आप किसी भी पर्टिकुलर टाइप की इफेक्ट दे सकते हो आपके फ्रेगमेंट में। Android SDK provide includes a number of fragment subclasses that encapsulate some of the most common type of fragments. जैसे कि dialog fragment है, list fragment है, web view fragment है। आपको एक dialog जैसा कोई fragment बनाना हो तो directly आप dialog fragment को extend कर सकते हो, list fragment बनाना है तो list fragment को extend कर सकते हो, web view को छोटा सा fragment, एक छोटा सा view की जो कोई online content display करे उसके लिए आप वेब व्यू फ्रेगमेंट भी एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, तो ये था फ्रेगमेंट्स के बारे में सब कुछ। व्हाट इज फ्रेगमेंट, व्हाट इज इट्स एडवांटेज, हाउ इट कैन बी यूज्ड, एडिशनली हाउ टू मेक इट डायनेमिक। मोस्टली इट विल बी इट कैन इट विच इट शुड बी यूज्ड एज अ डायनेमिक कंपोनेंट विच कैन बी एडेड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड डायनेमिकली। So for that fragment transactions, what is fragment transaction, how it can be apply, or how fragments can be find, and most important, to use a fragment we should be aware and we should know
how it behaves, means what is the life cycle methods and in which order, what manner these methods are executed. तो हमने fragment की life cycle को भी discuss किया. कई बार exams में पूछा जाता है and very important from the viewpoint of examination. तीन प्रश्न यहाँ पे बनते हैं मेरे हिसाब से. What are fragment, advantages of fragment, another what are fragment or discuss the life cycle of fragment, another what are fragment and write short note on fragment transition or explain adding, removing and replacing fragments at runtime or just explain these methods of fragment transition. Okay, so now I am stopping this video. Learn fragments, again watch this video and learn what are